अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबके प्यार का, आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं आप लोग, हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत सी जो होती है ना लेडीज़, मतलब ओवर थिंकिंग की आदत सब में है, मतलब सब में है। डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी, ये तीन इतनी ख़तरनाक और इतनी, मैं कहती हूँ बस ऐसी ये तीन चीज़ें हैं ना, ये बीमारी है कि इनसे वाकई में हर इंसान ना अपनी जान छुड़वाना चाहता है। अच्छा, ये जो स्पेशली हम हाउसवाइफ होती हैं ना, हमारे अंदर ओवर थिंकिंग वाला कीड़ा कुछ ज़्यादा ही होता है। अब वो किस तरह ज़्यादा होता है हमारे अंदर ये ओवर थिंकिंग का कीड़ा? वो इस तरह ज़्यादा होता है कि हमने कोई काम करना है ना, हम किचन का काम कर रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं, हम कपड़े धो रहे हैं, हमने सोचते रहना है यार, मतलब ये हो गया, वो हो गया, हमने मतलब हम लोग मुसलसल सोच में रहती हैं। और फिर क्या होता है ना कि वो जो हमारी सोच होती है ना, वो हमारा डिप्रेशन बन जाती है, वो हमारी एंग्जाइटी बन जाती है, यानी वो एक अजीब ही शक्ल इख्तियार कर लेती है जो हमारी सोच होती है। फ़र्ज़ करें आपकी एक दिन पहले झगड़ा हो गया ससुराल में, सास से, नन से, फ्रेंड से झगड़ा हो गया, हस्बैंड से झगड़ा हो गया। अब वो झगड़े को ना हम जो लेडीज़ हैं, हम क्या करती हैं, अपने सर पे सवार कर लेंगी और सुबह उठते ही सोचते रहेंगी, अच्छा ये वो ऐसे। तो देखिए, ये चीज़ जो होगी ना, जब वो सोच होगी ना, वो जो सोच पता नहीं क्या से क्या शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो ये चीज़ होती है कि हमें इस चीज़ को ना ख़त्म करना है। चलो चले आए हम मिलके ना इस टॉपिक पे आज बात करते हैं, और आप लोग भी मेरे साथ कमेंट्स में बताएं कि क्या आप लोगों को भी आदत है मुसलसल सोचने की। तो चले अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। और मेरे चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अभी भी बहुत से 70% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, वीडियोज़ देखते हैं ना तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो अच्छा चलिए, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को ख़त्म कैसे करना है। अब हम सोचते हैं यार ये एक नॉर्मली चीज़ है, थिंक सोचना नॉर्मली चीज़ है। नहीं नहीं, इट्स नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। अब मैं इससे यकीन माने इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ना इस चीज़ से। शुरू में मेरा भी यही हाल था, मेरे कुछ हो जाना, ज़रा सा कुछ हो जाना, मैंने उस बात को सोचना, उस बात के पीछे पड़ जाना, मैं कहती हूँ मैं बस सोच सोच के पागल हो जाती थी। इनफैक्ट यहाँ तक कि सर में दर्द होने लग जाता था। यार क्या मतलब, कैसे कैसे इस सोच को ख़त्म करें? तो देखिए, हमें ये सोच ख़त्म करनी है। ओवर थिंकिंग, देख सोचना एक बुरी आदत नहीं है, आप सोचें अच्छा, आप सोचें पॉजिटिव, लेकिन ये जो ओवर थिंकिंग होता है ना, यानी किसी चीज़ को एक्सट्रीमली लेवल तक जाके सोचना, इट्स नॉट गुड, मतलब ये बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे माहौल के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे अपने रिलेशन के लिए, एक मदर के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए, इट्स नॉट गुड। तो हमें जो है, हमने इस चीज़ को एक्सट्रीम लेवल तक नहीं लेके जाना। बस आप लोग सोचें, अब इस चीज़ को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, इसका हल क्या है? ठीक है, अब हमने इसका हल तलाश करना है, भी इसका हल क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जब मैंने अपनी ओवर थिंकिंग जो ख़त्म की, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था उससे पहले मेरा यही हाल होता था कि ये कह दिया अनुमान ने, मेरा हस्बैंड ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, अच्छा उधर अम्मी के घर क्या हो रहा है उसकी टेंशन। अच्छा ये मैंने बहुत देखा है यार, ये बड़ी होती है। अच्छा मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप में भी ये है, मतलब छोटा सा कीड़ा कुछ औरतों में, मतलब होता ये सब में ही है। तो मतलब मैंने देखा कि कुछ होते हैं जो अपने घर पे ध्यान नहीं देती, उनका ये पूरा उनका ध्यान कहाँ होता है, भाई मेरे माँ के घर क्या हो रहा है। ओ भाई अल्लाह की बंदी, माँ के घर कुछ नहीं हो रहा, माँ का घर ठीक है, उन्हें उनको अपने घर की छोड़ के ना वो पीछे का सोच रही होती हैं। और उन वो अच्छा असल प्रॉब्लम उनके घर में क्रिएट भी इधर से ही होती है, क्योंकि उनकी तवज्जो अपने घर पे नहीं होती, उनकी तवज्जो पीछे होती है कि मेरे भाभी ने क्या कह दिया, भाई ने क्या कर दिया, माँ ने क्या कर दिया, अब्बा ने क्या कर दिया, अम्मी ने। तो ये चीज़ सोच सोच के ना, मतलब वो तो पागल हो रही होती हैं। फिर वो इन चीज़ों को डिस्कस करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, मैंने देखा है लिटिल, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। शुरू में मैंने भी ना एक दो ऐसी गलतियाँ करने की, ये मतलब हस्बैंड के साथ ऐसे डिस्कस करना, तो मैंने देखा नहीं यार इससे ना एक बुरा असर पड़ता है। तो मतलब क्यों यार, आप अपने घर में अपने मायके को क्यों शामिल कर रहे हो? और ये अब आपका ससुराल सास से झगड़ा हो गया, नन से झगड़ा हो गया, तो जी अब फ़ोन पे लग गए, पहले अम्मा को बताएंगे, हाँ अम्मा ये हुआ वो हुआ, उसके बाद जी बहन को फ़ोन करेंगे, उसके बाद दोस्त को फ़ोन करेंगे, जी शाम तक आपने उस झगड़े की जान नहीं छोड़नी। पहले हम सोचेंगे अच्छा मैंने अम्मा को ये बताना है, ऐसे ऐसे करके बताऊँगी, फिर मैं सोचेंगे मैंने बहन को बताना है, मैंने ऐसे ऐसे करके बताना है।
ये चीज़ बहुत बहुत ख़राब है। देखिए थोड़ा सा होता है, कुछ कुछ लड़कियां जो होती हैं ना बड़ी सेंसिटिव होती हैं, वो हर चीज़ को ना बड़ा सर पे सवार कर लेती हैं। अपनी ये सेंसिटिवनेस जो होती है ना, इसको ख़त्म करना है हमने, हमने इसको ख़त्म करना है। यकीन माने जब आप इस चीज़ को ख़त्म कर लेंगे ना, अब मैंने मुझे एक कमेंट आया था, एक लड़की का कमेंट, कि मैं ससुराल में होती हूँ और मेरे हस्बैंड बाहर हैं और ससुराल वाले मेरी सुनते नहीं हैं और मैं अपने रूम में होती हूँ, मेरा 1 साल का बेटा है। तो देखिए पहली बात तो मैं उन्हें ये कहना कहूँगी कि अल्लाह आपको खुश रखे। देखिए एक तो ये जो हस्बैंड बाहर होते हैं और जो उनकी बीवियाँ ससुराल में होती हैं, ये थोड़ा सा मतलब जाहिर है हम हर वक्त ये जो होता है हमने सोच का शिकार रहती हैं। तो ये देखिए इसके इस प्रॉब्लम से निकलने का ना एक बेस्ट हल ये होता है कि आप लोग ना मतलब इग्नोर करें, नहीं सुनती वो आपको, ना सुने आपको, क्या ज़रूरत है सुनाने की। आपकी अपनी वैल्यू है यार, अपना अपनी एक वैल्यू बनाएं, अपनी एक वर्थ बनाएं, अपना एक मुकाम बनाएं, क्या ज़रूरत है। देखिए हमें ज़रूरत नहीं है लोगों को सुनाने की। एक बात मैं आप लोगों को आज मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर देती हूँ कि अपने जो लड़ाई झगड़े हैं, अपने जो दुख हैं, अगर जब तक वो आपके पास है ना तब तक आप सुकून में हैं, यानी मेरे ख्याल से तब तक ना आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो किसी दूसरे को आप बता देती हैं ना, बाहर निकाल देती हैं कि यार मैं ये मेरी ये सोच है, मैं इसलिए परेशान हूँ, मैं मेरा ये झगड़ा है, तो यकीन माने वो कुछ और ही चीज़, वो एक अलग किस्म का पहाड़ सा बन जाता है। क्योंकि देखिए लोग अपना अपनी थिंकिंग, अब देखिए बहुत सी मैंने ऐसे वाइफ्स देखी हैं जो अपने हस्बैंड की को सपोर्ट करने के लिए ना बहुत से मशवरे ले लेती हैं कि यार मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। यकीन माने आप जितने मशवरे लेंगे आप उतना उस दलदल में फंसती जाएंगे। आप बेहतर जानती हैं अपने हस्बैंड को, आप बेहतर जानती हैं अपने रिलेशन को, आपको बेहतर पता है आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशन क्या है। इसके बारे में सोचने की ही ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यकीन है, आपको एतबार है, करें। नहीं यकीन एतबार ना, अपने तक रखें। देखिए हम इंसान हैं, हमें भी दिमाग है, हमें भी सोच है, तो अपने दिमाग को यूज़ करें। लोगों की बातों में आना छोड़ दें, लोगों से मशवरे लेना छोड़ दें। हाँ मशवरे लें, मैं ये नहीं कह रही लेते हैं, कुछ 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 में बंदा इंसान ले सकता है, बट ज़्यादा नहीं। खैर बात कर रहे थे हम ओवर थिंकिंग के बारे में। तो ये जो सोच है ना, सबसे पहले तो हमने इसको पता है कैसे ख़त्म करना होता है। सबसे पहले तो आपने अपनी ये जो हम नेगेटिव सोचते हैं ना, अगर आपका झगड़ा हो जाए ना, फर्ज करें अब मेरी जो जितनी लोग मेरी वीडियोस देख रही हैं, जितनी लेडीज़ या जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपका किसी ना किसी से झगड़ा हुआ होगा यकीनन। आप उसके बारे में सोच रही होंगी कि यार मैंने इसको ये करना है, ये अब मैंने इसके बारे में उसको बताना है। अभी से आप सोच लें कि आपने उसके बारे में सोचना ही नहीं है, झगड़ा हुआ, रात गई बात गई। कसम से अगर ये वाला जो है ना रात गई बात गई वाला काम, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा अपना ले, कसम से ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी। आपको ज़रूरत ही नहीं है सोचने की, क्या ज़रूरत है उसको सोचने की, क्या ज़रूरत है उसको। झगड़ा हुआ तो भाई जाए भाड़ में जाए, छोड़ो पड़े, बस हो गया हो गया। तो जितना आप सोचेंगे आप उतनी तकलीफ़ में रहेंगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ देखा है एक और चीज़ होती है कि यार मतलब अगर हमें कोई इग्नोर कर रहा होता है तो हम बड़ा उसे कि यार क्यों हम इग्नोर कर रहे हैं, ये वो एक अंदर से हमारे आवाज़ नहीं, हम इग्नोर नहीं होने चाहिए। तो भाई ये चीज़ आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आप डबल इग्नोर करें उस बंदे को। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। अब देखें जैसे उन लेडी का मुझे कमेंट आया था जो कि मैं अकेली होती हूँ, तो देखिए आप ये सोचना छोड़ दें कि आप, वो बोल रही थी मैं रोती हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है मेरे से। बेटा ये सोचना बच्चा जी सोचना छोड़ दो कि मुझे मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे कोई वैल्यू नहीं देता, छोड़ दो ये सोचना। अपनी अपनी लाइफ पे तवज्जो दें, अपने उस बेटे पे तवज्जो दो, अपने बच्चों पे तवज्जो दें। ये चीज़ को निकाल दें अपनी ज़िंदगी से कि कौन आपसे बात नहीं कर रहा, कौन आपसे बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, छोड़ दो। नहीं करता कोई, ना करे बात। यकीन माने मैं इधर हूँ, मेरी ससुराल माशाल्लाह से मेरी बहुत बड़ी ससुराल है, लेकिन मैं जाती हूँ, सबसे मिलती जुलती भी हूँ, बट मैंने कभी मैं किसी के मामले में नहीं बोलती। मेरी नंद का भी क्यों बोलूँ मैं, ठीक है हस्बैंड डिस्कस कर लिया, ठीक है जी ठीक है ओके। अब अगर अपनी नंद के सामने बैठूँगी, अब हालांकि मेरी उससे बात हुई, तो मैं अगर वो चीज़ लेके बैठ जाऊँ कि मुझे पता चला है तुम्हारे कि ये है ये, तो यार कितना मतलब एम्बैरसिंग होगी उसे भी, और मतलब आप भी फजूल में एक अगले बंदे को वो कर रहे हैं।
तो देखिए, कभी भी अगर आपसे कोई बंदा डिस्कस अपनी बात नहीं कर रहा, तो अगर आपको वो बात पता है तो कभी भी उस बंदे से मत करें वो बात कि यार मुझे पता है तो तुमने मुझे नहीं बताया। भाई क्यों, क्या मसला है आपको? उसके उसके घर की प्रॉब्लम है, तो आप दूसरों के घरों में झांकना छोड़ें, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ें, अपने बारे में सोचें, अपनी ज़ात के बारे में सोचें, अपनी खुद की सेल्फ केयर के बारे में सोचें। अब सेल्फ केयर सिर्फ यही नहीं आ जाता कि ये अपने मुंह को साफ करना है, अपने अच्छे कपड़े पहनने, नहीं, अपना इनर, अपना माइंड साफ रखें, अपना दिल साफ रखें, अपने आप को मसरूफ़ रखें, सबसे बड़ी बात। अच्छा, आप मसरूफ़ कहाँ रखना? यकीनन जो इस टाइम वीडियो में देख रही हैं उन्हें मोबाइल चलाना आता है, यकीनन वो बुक्स भी पढ़ सकती हैं। आप बुक्स पढ़ें, मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, कभी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं अपनी बुक्स जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी सारी बुक्स शेयर करूँगी। अपनी बुक्स, आप लोग बुक्स पढ़ें। आप लोगों को शॉपिंग का शौक है, आप लोग देखें बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें जो सिलाई कर सकती हैं और उन्हें डिज़ाइनिंग का शौक होता है, अच्छे अच्छे अपने कपड़े डिज़ाइन करें। देखें, ठीक है ना, अपने बारे में मैं वही बात आ गई, आपको पेंटिंग आती है अपने रूम में करें। देखिए वही बात है कि आपको अगर ससुराल में एक रूम मिला हुआ तो उसी रूम को ही अपनी दुनिया इतनी अच्छी बना ले, ज़रूरत ही ना पड़े बाहर को सोचने का, नेगेटिव सोचने का, उस रूम को पॉजिटिव रखें। ये वही घूम फिर के बात आ जाती है कि अपने इर्द गिर्द का माहौल जो है वो पॉजिटिव रखें। अगर आपने नेगेटिव रखना है तो आपने नेगेटिव ही सोचना है। तो ये जो चीज़ होती है, अपने आप को मत ओवर थिंकिंग में डालें, जितना सोचेंगे जितने परेशान होंगे वो परेशानी आपकी डिप्रेशन बन जाएगी, यानी पता नहीं क्या से क्या बन जाती है वो चीज़। तो हमें कभी भी जो है इन बातों को वैल्यू नहीं देनी चाहिए, फजूल बातों को, ठीक है, इन बातों को वैल्यू नहीं देनी चाहिए हमें। अपना वक्त है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ अपना टाइम को स्पेंड करें, और मतलब एक अपनी रूटीन बनाएं, अपना शेड्यूल बनाएं, एक डेली रूटीन सेट करें अपनी कि यार मैंने आज ये करना है, आज वो करना है। हमारी रूटीन नहीं होती, हमारी बिल्कुल भी, हम रूटीन के बगैर चलते हैं तकरीबन। यहाँ हम, मैंने ये देखा 90% जो होती है ना वुमेंस, वो विदाउट रूटीन जो होती है ना अपनी ज़िंदगी को गुजार रही होती हैं, और उन्होंने एक वो मकसद बनाया हुआ था, यार बस उठे, नमाज पढ़ी, किचन में गए, बच्चों को संभाला, बात ख़त्म। अपने आप को मसरूफ़ रखें, कोई हॉबी लें अपनी, कोई हॉबी, रीडिंग कर लें, व्लॉगिंग कर लें, कुछ भी कर लें। मैं हूँ, मैं अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ, मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ, मैं अपनी अपनी डेली रूटीन को मैं एक कैप्चर करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ। देखिए, अगर आपको कोई नहीं सुन रहा तो आप लोगों को सुनाने लग जाए, इट्स बेस्ट सोल्यूशन, मैं कहती हूँ ज़बरदस्त हल है। आपको नहीं कोई सुनता ना, आप लोगों को सुनाने लग जाए अपनी बातें। एंड सोशल मीडिया इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, मैं कहती हूँ ज़बरदस्त है सोशल मीडिया पे, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, आप उसको यूज़ करें। अगर आप मोबाइल देख रही हैं, आप वीडियो देख रही हैं, तो यकीनन आपको सोशल मीडिया यूज़ करना आता है, उसका इस्तेमाल करें। ऑनलाइन कोर्सेज करें, इतने ऑनलाइन कोर्सेज आ रहे हैं, पढ़ी लिखी हैं आप, ऑनलाइन कोर्स कर लें, कोई इतना मतलब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लें, ग्राफिक का कोर्स कर लें, मैं कहती हूँ इतने फ्री लांसिंग का कर लें, फाइवर का कर लें, कुछ करें, अपने आप को बिज़ी रखें, छोड़ दें ये फजूल लोग बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना, मैं बताऊँ आपको, तो लोगों की बातों पे कान धरना छोड़ दें कि अच्छा जी वो ये कर रही है, वो ये कर रही है, ये इस तरह कर रही है। तो मैंने जब ये चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना स्टार्ट किया, यकीन माने मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई में ज़िंदगी बहुत बहुत अच्छी है, ठीक है। देखिए, हर रिलेशन में लड़ाई झगड़े होते हैं, मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि यार मैं अपने और अपने हस्बैंड की बात पहले होता था कि मैं शेयर कर देती थी, यानी वो लड़ाई झगड़े वाली, फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि यार इससे तो मज़ीद झगड़ा बढ़ जाता है मेरा। नहीं, उस झगड़े को मैंने अपने तक रखा, मैंने उसका सलूशन देखा कि यार वजह क्या है, क्यों। आपको बेहतर पता होगा आपके पार्टनर का मूड कैसा है, आपका पार्टनर जो है वो मतलब परेशान है, टेंस है, वजह क्या है। आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी आपका टाइम चाहिए, क्या चाहिए उसको, उसको वो चीज़ दें, ठीक है। देखिए, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त गुजर जाता है, फ़ायदा कोई नहीं। अगर आप उस वक्त को लेके बैठ जाएंगे, उस वक्त को सोचने लग जाएंगे, तो यकीन माने मतलब खुद अपना नुकसान होता है, हमारे दिमाग का नुकसान होता है। प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनको सर पे सवार नहीं करें, उसका सोल्यूशन ढूंढें, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, वो सॉल्व करने की कोशिश करें। वही बात आगे मैंने आपको बताया है कि अगर आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके खुद के रिलेशनशिप में, बहुत मतलब एक एक्सट्रीम लेवल तक हो रहे हैं, तो यार उसके उसमें मज़ीद झगड़े करने से अच्छे हैं आप उसका सोल्यूशन ढूंढें।
अगला पार्टनर नहीं करा तो आप करें, आप देखें यहाँ वजह क्या है, क्या वजह है, किस वजह से। शायद हो सकता है उस पार्टनर को आपके टाइम की ज़रूरत हो, आपका वक्त चाहिए हो, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हो, वजह क्या है देखें तो सही ना। तो ये कि आपने ने वो वजह ढूंढनी है कि वो वजह क्या है यार, किस वजह से इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो अगर वो अगला बंदा नहीं कर रहा तो वही बात आ गई, पहले भी मैं कर चुकी हूँ, आप कर लें, आप ढूंढ लें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। एक तो आजकल ये सीन चला हुआ जी, मतलब कि यार हम क्यों करें, हम तो भाई औरतें हैं या हम लेडीज़ हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। देखिए ये जो रिलेशनशिप होता है ना हस्बैंड वाइफ का, ये मर्द औरत दोनों को मिलके चलाना पड़ता है। अगर कई दफ़ा बहुत दफ़ा यकीन ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि शायद वहाँ उस पॉइंट पे जाके ना जो एक मर्द होता है वो नहीं समझ सकता, क्योंकि देखो उसको नहीं पता होता, उसके इख्तियार में एक हक दिया हुआ है अल्लाह ताला ने, तो वो अगर वो अपने उस हक को इस्तेमाल कर लेता है ना, उस इख्तियार को, तो फिर हम क्या कर सकती हैं, बैठी रह जाती हैं, यही होता है ना। तो समटाइम मैंने वही बात की कि यार बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगी में एक ऐसे पॉइंट आते हैं हमारे रिलेशनशिप में कि हमें चुप रहना होता है, हमें थोड़ा सा झुकना पड़ जाता है। तो इट्स डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप थोड़ा सा झुक जाएंगी तो। अगर आपके एक झुकने से एक अच्छा रिलेशन बच रहा है, एक मतलब जाहिर है अगर बच्चे हैं आपके और अगर आपका एक रिलेशन बच रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है मेरी नज़र से। बाकी आप लोग बेहतर जानती हैं कि आपका रिलेशन इस किस पॉइंट पे है, क्या है, वो एक आपका मामला है, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होता है जाहिर है। तो इसके अलावा ये कि यार अपने आप को मसरूफ़ रखें, ओवरथिंकिंग को ख़त्म करने के लिए नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, नमाज़ की पाबंदी करें। देखें मैंने आपको पहले भी कहा था, अपनी खुद के बारे में सोच, खुद के बारे में सोचने का मतलब यही आ गया है कि आप अपनी नमाज़ को देखें कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मुझे इसको किस तरह ठीक करना है। ये मत सोचें यार उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैंने उसको किस तरह ठीक करना है, मेरे मायके में क्या चल रहा है और मैंने अपने मायके को कैसे ठीक करना है। नो, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपको आपके माँ बाप ने शादी करके भेज दिया है। अपने अपने बारे में सोचें। अगर घर में आपसे कोई ससुराल में आपसे बात नहीं कर रहा तो इसकी वजह क्या है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा, इट्स मेन कि आपने अपनी वैल्यू बनाई ही नहीं है, तभी वो आज आपको नहीं सुन रहे, तभी वो आपको कोई बात नहीं कर रहे। आप या तो आते ही आप लग गई होंगी कि हाँ मुझे ये बड़ा अच्छा था, लाइ मैं करूँ। वो आपने सुनी तो होगी कहावत कि कोई भी काम इतना परफेक्ट ना करो कि यार वो आप ही के गले पड़ जाए। तो ये कि हमेशा काम को एक लिमिट की हद तक ही करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी मेरी वीडियो एक आ चुकी कि यार नो कहना सीखें, मतलब एक बाउंड्रीज सेट करें लोगों की, कि मतलब उन्हें अपनी ज़िंदगी में झांकने मत दें। इसी तरह वैल्यू बनती है कि यानी अगर आपको कोई कह रहा है कि यार आज तो नहीं ये सालन बड़ा अच्छा बना, आप हाँ हाँ मैं बनाऊंगी ना, मुझे बड़े अच्छे आते हैं कोफ्ते बनाने, तो ठीक है आप एक दफ़ा बनाएंगे, ड्यूटी है आपकी, आपने डेली बनाना है। अब देखिए शुरू में क्या होता है ना, जब लड़कियाँ शादी करके आती हैं, मैंने अक्सर ये देखा है आके बड़ा हम तो किचन, हम तो खाना बनाएंगे, ये करेंगे काम को। अच्छा जब आज एक हफ्ता गुजरता है, दो हफ्ते गुजरते हैं, उसके बाद कहने स्टार्ट में भी हम पे जुल्म हो रहे हैं, भी स्टार्ट से ही आपने इतना जब काम संभाला है तो आपकी आदत है, आपकी ड्यूटी आप करें। तो ये चीज़ है। उसके अलावा मैंने एक चीज़ और देखी है कि यार हमारे माशरे में ना बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो स्पेशली ये जो अब जिनकी शादियां हो रही हैं ना, मतलब बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो स्पेशली यूनिवर्सिटी से आती हैं पढ़ के, जैसे मैं भी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ। लेकिन देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, हर रिलेशन में एक डिस्टेंस होना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, सास बहू का है, नंद बहू का है, भाभी का, जिसका भी है, आपका डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, फिर ही रिलेशन चलता है। अब यहाँ पर क्या जी, बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं क्या करती हैं कि वो अपनी नंदों से दोस्ती कर लेती हैं और बाद में फिर ऐसे उनके लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, एक दूसरे की ऐसी पोले खोल रही होती हैं नंद भावें। तो यानी देखिए एक डिस्टेंस मेंटेन करें, मतलब एक डिस्टेंस तक रखें। ये रिश्ता जो होता है ना नंद भाभी का, मतलब ये आप उधर से उसका भाई और इधर से आपका हस्बैंड, ये इस वजह से जुड़ा होता है क्योंकि दरमियान में एक होता है कोई तीसरे बंदे की वजह से ये रिश्ता जुड़ा हुआ है। आपने खुद नहीं ये रिश्ता जोड़ा, ये तीसरे बंदे की वजह से जुड़ा हुआ है। तो आप फिर क्या होता है ना कि वो वजह कमज़ोर मत करें, तो मतलब हर चीज़ में एक डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर आपको लगता है कि यानी कि हाँ आप इससे फ्रेंडशिप कर रही हैं और आप इस रिश्ते को अच्छी तरह निभा सकती हैं तो फिर निभाएं, करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार आपका टेंपर बड़ा लूज़ है, आप बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसे इंसान को कम ही आगे जो है वो ज़्यादा इतने ज़्यादा वो रिलेशन में हद से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए ऐसे इंसान को जिसका टेंपर लूज़ होता है, गुस्सा होता है। क्योंकि देखें फिर क्योंकि ऐसे इंसान को फिर मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता, वो बात आ गई। तो ये कि अपनी ओवरथिंकिंग को, एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को कम करने के लिए पहले तो आप अपने आप नमाज की पाबंदी करें, अपना देखें कि यार मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैंने इसको किस तरह ठीक करना है।
पहले तो दूसरों के बारे में जो है आप सोचना बंद करें, दूसरों की ज़िंदगियों पे गौर करना ख़त्म करें। ये जो अब जो एक बात होती है घर में हो गई, हस्बैंड से झगड़ा हो गया, तो उसको आपने पूरा दिन घसीटना है माँ के साथ, बहन के साथ, दोस्त के साथ, तो देखें फिर उस मेरी खुद आप बात बताएं, जब पूरा दिन आप मुसलसल एक झगड़े को घसीट लिया है तो लास्ट रात में जाके वो झगड़ा क्या बन जाएगा, शाम में जाके वो झगड़ा एक पहाड़, एक डिप्रेशन बन जाएगा, एक सरदर्द बन जाएगा आपके लिए। आप कहेंगी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झगड़ा है ये तो। हाँ अगर आप सुबह उठी हैं, यार ठीक है कोई बात नहीं, वो झगड़ा रात हो गया था ख़त्म, इग्नोर करें, नॉर्मल हो बिहेव करें। अगर आपके माँ बाप को कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, चार बातें आपने भी सुना दी, बात ख़त्म। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह उठते दोबारा शुरू हो जाएंगे, भाई तुमने कल रात ये कहा, तुमने ये कहा, तुमने ऐसे झगड़ा। देखिए ये चीज़ को जब तक आप एक चीज़ का पीछा नहीं छोड़ेंगे, कभी भी आप जो है हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़े, मूव ऑन करें, छोड़ दें पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को डिस्कस करना। तो हमारी ज़िंदगी इन्हीं छोटे छोटे उसूलों पर होती है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हम चार बंद, अच्छा कोई बात नहीं, हमने तो एक दफ़ा बात ही की थी ना, वो जो एक दफ़ा बात करना होती है ना वो सरदर्द बन जाती है आपकी। वो एक दफ़ा बात को वो 10 लोगों में घूमती है और नाम फिर आपका लग रहा होता है, अच्छा उसने ये बात की थी, उसने ये बात की। तो ये चीज़ों को ख़त्म करें, अपने आप को मसरूफ़ करें, अपना जो क्या कहते हैं, अपना सोशल, स्पेशली आजकल जो सोशल मीडिया हमारा सर्कल आ गया है ना, ये हमारा बड़ा ख़तरनाक सर्कल है, इसको थोड़ा कम करें, अपने अपना बिजी करें, पेंटिंग करना है पेंटिंग करें, अपना जो आपका बच्चा है उसके साथ मिलके कुछ काम करें, उसके साथ मिलके कोई हॉबी कर लें ताकि वो भी इंजॉय करें। आप बेकिंग करें, बेकिंग सब बहुत अच्छा होता है, मैं अक्सर बेकिंग करती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा वो बंदे का बंदा बेकिंग कर लेता है, एक हॉबी होती है बंदे की। तो ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जिन्हें हमने अपनी ज़िंदगी में अपनाना है, और हम अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अपनाते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं कि नहीं नहीं यार, मतलब इन चीज़ों से क्या होता है, लेकिन इन्हीं चीज़ों से असल जो है मसले मसाइल खत्म शुरू होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको छोटी छोटी बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, कोशिश की मैंने एक आप लोगों की जो थोड़ा ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की, तो मे बी आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल ज़रूर रही होगी, मुझे उम्मीद है। तो कमेंट्स लाजमी करें और कमेंट्स करते रह करें यार, मेरा बड़ा अच्छा लगता है मुझे आप लोगों का कमेंट्स करना, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, इतना आप लोग दुआएं देते हैं और सपोर्ट क्या करें। मैंने पहले भी कहा यार आप लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये मुझे आप लोगों से गिला है, शिकायत है, और इस गिले और शिकायत को ना जल्दी से दूर कर दें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, और खुश रहें अपनी ज़िंदगियों में, और लोगों के बारे में, लोगों की ज़िंदगियों के बारे में सोचना छोड़ दें, अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें, अपने माहौल को, इर्द गिर्द के माहौल को पॉजिटिव करें। आप यकीन जाने आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ खुद ब खुद जो है वो पॉजिटिव बनती जाएगी। तो जी चलें जी, आप मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।